आई हम उपासना में जाने से पहले चंद विचारों को प्रभु के वचन से ध्यान करें। साम्स 50 भजन संहिता 50 अध्याय। हमारा प्रभु जिसकी महानता को हम हमेशा ध्यान करते हैं और हर समय हर बातों को हम ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु इतना विशाल है, अगम्य है, और इसीलिए कुछ कुछ विचार प्रभु हमारे सामने रखता है जिसके आधार पर हम प्रभु को भजते हैं, प्रभु को ऊंचा करते हैं। और ये 50 अध्याय में एक सुंदर विचार हमारे प्रभु का है, और वो ये है कि वो न्यायाधीश है, ही इज जज। और वो न्यायाधीश का आना अब बहुत नज़दीक है, जैसे वचन में लिखा है याकूब और उसके 5:8 पद में न्यायाधीश द्वार पर खड़ा है। और इसीलिए प्रभु के लोग जो हैं प्रभु की ये महानता को ध्यान में रखकर प्रभु का भजन करें, ये प्रभु की इच्छा है। सो इस विचार को रखते हुए हम इस अध्याय को बारी बारी पढ़ेंगे। साम 50 फ्रॉम द होल चैप्टर। साम 50। ओके। द माइटी गॉड इवन द लॉर्ड हैड स्पोकन एंड कॉल्ड द अर्थ फ्रॉम द राइजिंग ऑफ द सन अनटू द गोइंग डाउन देयर ऑफ। अब अ गॉड शैल कम एंड शैल नॉट कीप साइलेंस, अ फायर शैल डिवोर बिफोर हिम and it shall be very tempestuous round about him. Gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. Hear, O my people, I will speak, O Israel, and I will testify against thee. I am God, even thy God. I will take no bullock out of thy house, nor he goats out of thy folds. I know all the fowls of the mountains, and the wild beasts of the field are mine. Will I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? And call upon me in the day of trouble, I will declare, deliver thee, and thou shalt glorify me. Seeing thou hatest instruction and castest my word behind thee, thou givest thy mouth to evil and thy tongue frameth deceit. These things hast thou done, and I kept silence. Thou thoughtest that I was altogether such and one as thyself, but I will reprove thee and set them in order before thine eyes. Whoso offereth praise glorifieth me, and to him that ordereth his conversation aright will I shew the salvation of God. यहाँ पर जो 5 पद, कई बार हमें
ये पद याद दिलाया गया, गैदर माई सेंट्स टूगेदर अन टू मी दोज दैट हैव मेड अ कवनेंट विथ मी बाय सैक्रिफाइस। ये है प्रभु का नापने का जो दोरी कि कौन प्रभु के पास इकट्ठा किए जाएंगे जिन्होंने बलिदान करके वाचा बांधी है। और प्रभु पुराने जमाने में जानवरों के बलिदान लोग चढ़ाते थे। प्रभु का पर्पस वही था कि मनुष्य इस बात को समझे कि प्रभु जो महान है, जिसने हमारे लिए सब कुछ किया है, उसको हम भी लौटाएं और उसको तृप्त करें, उसको खुश करें, उसको प्रसन्न करें। और मिस्र से छुड़ाने का जो मेन एम प्रभु का यही था। जब हम पढ़ते देखिए आइए निर्गमन में, निर्गमन उसका 5 अध्याय एक्सोडस चैप्टर 5:3 पढ़िए कोई, निर्गमन 5:3 गुजराती में। हाँ यज्ञ करवाने सारू है ना, इंग्लिश में भी कहता है 3 days जर्नी इन टू द डेजर्ट एंड सैक्रिफाइस अन टू द लॉर्ड। सो वहां पर भी वही प्रभु की इच्छा थी कि प्रभु के लोग जो छुड़ाए जाए अब प्रभु को बलिदान करें या अर्पण करें। और यहां पर भी प्रभु का यही विचार और जो नए नियम का भी यही विचार। सो इसीलिए हम अभी समय नहीं है, पर बाद में देखेंगे कि हमारे स्पिरिचुअल ऑफरिंग्स आत्मिक बलिदान क्या है। पर हमारे प्रभु की महानता को जब हम देखते हैं, 1 पद से 6 पद जब हम देखते हैं, ये अध्याय को हम 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग है द कमिंग ऑफ जजमेंट, ये पहली बात है। जजमेंट आएगा, देखो 4 पद, ही शैल कॉल टू हेवेंस फ्रॉम अबाव एंड टू द अर्थ दैट ही मे जज हिज पीपल। पढ़िए तो 4 पद, उसके बाद 7 पद से 15 पद जब हम पढ़ते हैं, द कंडीशन ऑफ जजमेंट। पहली बात है द कमिंग ऑफ जजमेंट, प्रभु का न्याय जरूर आएगा, वो न्याय करने आएगा। इसलिए हम ऐसे महान परमेश्वर से डरे या उसका आदर करें। हमारा जीवन बहुत लापरवाह होता है, हम सोचते हैं कुछ भी करते रहेंगे चलेगा। पर प्रियो, वर्शिप सिर्फ मुंह से नहीं, उपासना मुंह से ही नहीं, उपासना पहले जीवन से होती है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जिससे प्रभु के दिल को प्रसन्न करे, तब जाकर हमारे होठों के जो शब्द प्रभु को ग्रहण योग्य होंगे। अब्राहम इस बात को समझा था, कई प्रभु के जन इस बात को समझे। जैसे दानियल को देखते, दानियल 6:10 में जब उसने सुना कि उसके ऊपर ये जो राजा का फरमान हुआ है कि अब वो मारा जाएगा, और उस समय में दानियल प्रभु को धन्यवाद देता है। ये बात तो प्रभु कितना प्रसन्न हुआ। इसलिए 6 अध्याय में जो दानियल ने किया, प्रभु को जो प्रेम उसने दिखाया कि प्रभु सबसे अधिक प्रेम मैं तुझे करता हूं, भले कुछ भी हो जाए मैं तेरी बातों को नहीं टालूंगा। और इसीलिए प्रभु भी उसके पक्ष में खड़ा हो गया। और 7 अध्याय से हम देखते हैं प्रभु की बातें दानियल के साथ बिल्कुल फर्क हो गई, कुछ और ही प्रकार से प्रभु बोलने लगा। सो प्रियो, इसीलिए प्रभु कभी किसी का ऋणी नहीं। और इसीलिए हमें इस बात को याद रखना चाहिए, आवर लॉर्ड इज जज, वो न्यायाधीश है, वो आएगा, वो जरूर आएगा एक दिन। और द कंडीशंस ऑफ जजमेंट, अर्थात क्यों वो न्याय करेगा, परमेश्वर न्याय क्यों करेगा। देखिए 7 पद, भजन संगीता 50:7,
Hear, O my people, and I will speak, O Israel, I will testify against thee. I am God, even thy God. पढ़िए तो गुजराती में. हाँ, यहाँ पर हमें कारण मिलता है क्यों प्रभु न्याय करेगा. सांभड़ो, ये पहली बात. नहीं सुना इज़राइल. प्रभु कहता है कि सुनो मेरी. क्यों सुनो कहना पड़ा? क्योंकि नहीं सुना इज़राइल ने, नहीं सुना. और इसीलिए प्रभु बड़े दुख से कह रहा था, सुनो मेरी. दूसरी बात, ओ माई पीपल, तुम मेरे लोग नहीं रहे. मैं आज तुमको मेरे लोग बोलकर नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जो प्रभु के मन के, प्रभु के इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं, उनको कैसे प्रभु कहेगा दीज आर माई पीपल. सो दूसरा ये कारण. और तीसरा कारण, क्योंकि तुमने ऑफर नहीं किया. देखिए आठ पद, आई विल नॉट रिप्रूव दी फॉर दाई सेक्रीफाइस. पढ़िए. अजीब बात है ना. तो तेरा बलिदान था, लेकिन फिर भी मुझे वो पसंद नहीं आया. कितनी गंभीर बात है. बलिदान तूने जरूर किया, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया. ये सब जानवरों का बलिदान से मैं थोड़ी खुश होता हूं, प्रभु कहता है. और प्रियो, हम भी अगर इसी प्रकार का लूला लंगड़ा, प्रभु को पसंद ना आए वैसे बलिदानों को लेकर अगर आते हैं, तो क्या प्रभु खुश होगा? प्रभु न्यायाधीश है, ही इज अ ट्रू जज. उसको हमारा भीतर भी मालूम है, बाहर भी मालूम है, सब कुछ मालूम है. और इसीलिए प्रियो, ये गंभीर विषय है जिससे हमें प्रभु का भजन करना चाहिए. सो देखिए क्या बोलता है प्रभु, 14 पद में, ऑफर अन टू गॉड थैंक्स गिविंग एंड पे दाई वॉज अनटू द मोस्ट है. तूने जो प्रतिज्ञा की उसको तू अर्पण कर. पढ़िए तो 14 पद. मानता हो, तूने क्या बोला था, तूने मेरे साथ क्या प्रतिज्ञा की थी, याद कर और तब मैं खुश होऊंगा. फिर तुरंत कहता है 15, कॉल अपॉन मी इन द डे ऑफ ट्रबल एंड आई विल डिलीवर दी. तू फिर बुला मुझको और देख मैं तुझी तेरी मदद करता हूं या नहीं. प्रभु तो डिलीवरेंस का प्रभु है, छुटकारे का प्रभु है. हमें उसने छुड़ा लिया, वो न्याय नहीं करना मांगता है. प्रभु हमारा न्यायाधीश बनकर नहीं आना मांगता है प्रियो. पर इसीलिए आज बड़ी गंभीरता से हमसे बातें करता है, जैसे उसने अपने लोग इजरायलियों से बात की थी और कहा कि उनको इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान देकर मेरे साथ बाचा बांधी है. बलिदान के साथ बाचा बांधी है. सो प्रियो, ये दूसरा. और तीसरा विषय जो है 16 पद से 21 पद में, द कंडेमनेशन ऑफ जजमेंट, न्याय करने के दोष. क्यों प्रभु न्याय करता है? पढ़ दीजिए तो जरा 17 पद से. अच्छा. तू गलती होती हुई देखता है, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं देता, ओवरलुक करता है. हाँ फिर. हाँ, कुछ कुछ बोलता है, डबल टंग है तेरा. फिर. गंभीर बातें हैं प्रियो. ये सारी बातों को ध्यान में लेना है, क्योंकि वर्शिप करने से पहले हमें अपने जीवन को जांचना भी चाहिए. क्या मैं सचमुच में वो बलिदान लेकर आया हूं जो प्रभु को एक्सेप्टेबल होगा? नहीं तो कोई फायदा नहीं प्रियो. इसलिए हम बड़े प्रभु के सामने ट्रांसपेरेंट हो जाएं. प्रभु, मेरा जीवन तेरे सामने खुला है, मैं तुझसे क्या छिपाऊं. और इसलिए वर्शिप करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना हमें करनी चाहिए, प्रभु मेरे पाप को तू माफ कर, तेरे लहू से मुझे धो दे. और इसीलिए जो अंतिम
22 और 23 पद हम देखते हैं कंसिडरेशन ऑफ जजमेंट, प्रभु फिर कंसिडर करना मांगता है, प्रभु फिर मौका देना मांगता है। पढ़िए, अब 23 पर फिर मौका दे रहा है प्रभु, कहता है हूसो ऑफरेट प्रेज ग्लोरीफाइथ मी, फिर से वही स्टैंडर्ड में वही स्तर में लाना मांगता है। आ जाओ, अपनी गलतियों को कंसिडर करो, ठीक ठाक करो और फिर मेरी स्तुति चढ़ाओ और ऐसे लोगों का उद्धार मैं करूंगा, क्योंकि हमारा उद्धार होना बाकी है, रिडेम्पशन ऑफ द बॉडी। जब प्रभु आएगा तब हम पूरा उद्धार पाएंगे, हम प्रभु के पास चले जाएंगे। लेकिन ये पद हमेशा हमारे सामने एक नापने का गज के समान रहे। 5 पद, किसको प्रभु इकट्ठा करेगा? जिसने बलिदान देकर प्रभु के साथ वाचा बांधी है। ऐसे ही नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं अपने आप को बोल रहा हूं। मुझे भी बहुत डर लगता है कि प्रभु इतना कुछ करने के बाद भी क्या मैं नापसंद हो जाऊंगा, है ना? इसलिए हम लाइटली ना ले, हम ऐसे प्रभु के लोग हैं जो उपासना करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, हम प्रभु को निकट से जानते हैं। हम कहते हैं कि हम सच्चे प्रभु को पहचानने वाले लोग, हम सच्ची मंडली का दर्शन। तो प्रियो, हमारे जीवन में ये होना चाहिए, भय, प्रभु का भय कि ही इज अ जज, अंतिम में तो वो न्याय करेगा ही, द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट एंड सेकेंडली द व्हाइट थ्रोन जजमेंट। खैर, हमारे लिए व्हाइट थ्रोन जजमेंट अपॉइंट नहीं है, पर क्या हम वो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट वहां पर हम पहुंचेंगे या हम यहां पर छूट जाएंगे ट्रिब्यूलेशन के लिए? जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट जो दूसरा कुरंथी 5 और 10 पद में लिखा है, वो हमें न्याय करने के लिए नहीं, इनाम देने के लिए है। लेकिन इनाम कौन पाएगा? जिसने बलिदान देकर बाचा बांधी है वो। सो इसलिए आइए हम ऐसे महान प्रभु को जो सच्चा है, जो जीवित है, उसका हम भजन करें। और बाद में हम कभी देखेंगे वो बलिदान, वचन में लिखा है लिविंग सैक्रिफाइस, जो बलिदान प्रभु चाहता है, जानवरों का नहीं, लेकिन कौन सा बलिदान प्रभु को पसंद है। एक देख लीजिए साम 69, ये जो हम करने जा रहे हैं अभी, साम 69 वर्स 30 और 31, हम सब मिलकर पढ़ें। ये बलिदान से शुरू होता है, I will praise the name of God with a song and will magnify him with thanksgiving. This also shall please the Lord better than an ox or bullock that hath horns and hooves. So, मैं प्रभु को वो स्तुति के गीतों से धन्यवाद दूंगा, उसको मैग्निफाई करूंगा, ये उसको प्रसन्न होगा। आइए हम हमारे महान प्रभु को प्रसन्न करें और हमारे स्तुति पर हमारा प्रभु विराजे।